जरा साथ कहने के लिए तो कह दीजिए सेल ऑफ प्रेजेंट्स। वाह भाई, भाई जिंदगी में सवाल किससे किया जा रहा है, जवाब उसी चीज पर निर्भर करता है। जवाब कभी सवालों पर निर्भर नहीं करता है, सवाल किससे किया जा रहा है उस पर निर्भर करता है। जैसे एक शिक्षक वो नहीं जो स्कूल में पढ़ाते, कई लोग होते हैं ना जहां मौका मिले शिक्षा दे देते हैं। तो एक शिक्षक, एक आदमी तो आ गए ज्ञान देने की मुद्रा में, क्यों पीते हो, मजा आता है, कितनी पीते हो, जब तक मजा नहीं आता है, लेकिन ज्ञान अभी बाकी था, मत पिया करो नर्क में जाओगे। अच्छा नर्क में, मतलब जो दारू पीता है वो नर्क में जाता है। हाँ नर्क में जाओगे। वो दारू बेचता है वो बोले वो भी नर्क में जाएगा। अरे दारू बेचता है वो भी नर्क में जाएगा। हाँ बोले वो भी नर्क में जाएगा। और सामने जो चखना रखता है वो बोले वो भी नर्क में जाएगा। फिर तो नर्क ही ठीक है। जिंदगी में सवाल किससे किया जा रहा है, जवाब उसी पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो सवाल भी खुद करते हैं और जवाब भी अपने साथ रखते हैं। जितने कमाल के सवाल होते हैं उतने कमाल के जवाब होते हैं। ये तीनों जो हमारे साथ बैठे हैं उनसे पहले मैं मिलना चाहता हूं उनसे जो आज हमारे इस कार्यक्रम के विशेष मेहमान हैं। पूरी दुनिया को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि राकेश बेदी कौन है। 50 सालों से पहले मंच पर, फिल्मों में, सीरियल्स में राकेश बेदी जी का चेहरा ऐसा है कि स्क्रीन पे आते ही एक मुस्कुराहट लेके आ जाता है, एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता लेके आ जाता है। लेकिन एक बात जो दुनिया उनके बारे में नहीं जानती है वो आज मैं बताने जा रहा हूँ। राकेश बेदी जी जितने कमाल के कलाकार हैं, मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त राकेश बेदी जी बहुत बढ़िया शायर हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। राकेश जी स्वागत करते हैं आपका। कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने जो एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रचार यहाँ पर किया है, जो एक भाव किया, उसको देख के मुझे बहुत मजा आया। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच राकेश जी। आज इस महफिल में राकेश जी इन सब की सुनेंगे और हम राकेश जी को सुनेंगे। और ये जो तीन लोग बैठे हैं, तीन में से 2 डॉक्टर हैं और एक वो हैं जिनके लोग मरीज हैं। ये तो समझ में आ गया डॉक्टर कौन है। माँ ये बोली कि लगता था मुझको कि जेंटल हो गया है वो। माँ ये बोली कि लगता था मुझको कि जेंटल हो गया है वो। दादी बाबा पे कुछ यूं गया है, पेरेंटल हो गया है वो। दादी बाबा पे कुछ यूं गया है, पेरेंटल हो गया है वो। जिस बेटे को सज्जन बनाने में मुझे लगे 25 बरस, और जिस बेटे को सज्जन बनाने में मुझे लगे 25 बरस, मिलके बीबी से 25 मिनट में ही मेंटल हो गया है वो। मिलके बीबी से 25 मिनट में ही मेंटल हो गया है वो। मिलके बीबी से 25 मिनट में ही मेंटल हो गया है वो। और राकेश भाई वो मेंटल क्यों हो गया, मैं कविता सुनाता हूँ, उसका आनंद लीजिएगा, जिसका शीर्षक है मेरी मसूरी यात्रा। अच्छा सुनिएगा। अभी पिछले दिनों की शाम छोड़कर सब काम मैंने पत्नी के साथ बना लिया मसूरी घूमने का प्रोग्राम। मैंने उससे कहा मसूरी तो ठीक है लेकिन मसूरी से पहले रुकेंगे हरिद्वार। बस यहीं से ही शुरू हुई तकरार। अच्छा। उसे लगा कि मैं कार्यक्रम को बिगाड़ना चाहता हूँ, बात को जमने से पहले ही उखाड़ना चाहता हूँ। ये सोचकर मेरी हर बात उसे अखरने लगी। मैं सीधा बताऊं तो उसका भी उल्टा करने लगी। अच्छा। कमी आ गई उसके ब्रेन में। मैंने कहा चलेंगे अपनी कार से, तो बोली ना मैं तो चलूंगी ट्रेन में। अंतिम स्थिति में मसूरी एक्सप्रेस में टिकट हो पाया एक ही कंफर्म, तो मैंने ट्रेन में निभाना चाहा पति धर्म। मैंने कहा सवारी 2 है, बर्थ एक है, इसलिए आप लेट जाइए, मैं पूरी रात साइड में इसी बर्थ पर बैठ कर जाऊंगा और इस प्रकार अपना पति धर्म निभाऊंगा। इतना सुनते ही भड़की, बिजली सी कड़की, बोली यदि धर्म ही निभाना है तो मैं निभाऊंगी, लेट कर तुम जाओगे, मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठ कर ही जाऊंगी। यहाँ से आनंद ले। अच्छे लेट कर तुम जाओगे, मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठ कर ही जाऊंगी। मेरी समझ में नहीं आया कि यह गुस्सा है या प्यार। सुबह सुबह आगे हरिद्वार स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही मैंने आवाज लगाई, ये कुली। इतना सुनते ही बोली, मुझसे बिना पूछे हुए तुम्हारी जुबान कैसे खुली? तुम्हें हर समय चीखने चिल्लाने की आदत है, जब तुम हो तो कुली की क्या जरूरत है? जब तुम हो तो कुली बुलाने की क्या जरूरत है? एक बैग 3 अटैची जैसे तैसे होटल तक खेची। होटल का नाम था क्लार्क हुक, कमरा था उसमें पहले से बुक। मैनेजर बोला, आपकी इच्छाओं पर विशेष ध्यान दिया है, आप होटल से पूरा हरिद्वार देखना चाहते थे, इसलिए कमरा 10वीं मंजिल पर दिया है। मैंने पत्नी से कहा, चलो इधर है लिफ्ट, सामान को करते हैं शिफ्ट। इतना सुनते ही फिर भड़की, बोली स्थल धार्मिक है, मैं सुविधाओं का लाभ कम से कम उठाऊंगी, सामान को तुम अपने कंधे पर उठाओ, मैं तुम्हारे साथ 10वीं मंजिल तक सीढ़ियों से ही जाऊंगा। 160 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते निकल गया दम। अब उसका इलाज करने के बारे में सोचने लगे हम। अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गए गंगा किनारे और नहाने के लिए जैसे ही कपड़े उतारे, मैंने उससे कहा, बहाव बहुत तेज है, किनारे पर ही नहाना, धारा के बीच में बिल्कुल मत जाना। इतना सुनते ही उसने डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं आई। आनंद अगली पंक्तियों का लें ममता जी। डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं आई। किनारे पर खड़े हुए गोताखोर बोले, यह गई, वह गई, एक महिला धारा में बह गई। मैंने कहा, भाइयों वो आगे की ओर नहीं होगी, 2 दिन से सब कुछ उल्टा कर रही है, गंगा में भी पीछे की ओर ही बही होगी। अगली 2 पंक्तियों का आनंद लें। शैलेश भाई देखिए क्या आनंद की बात आई है, गंगा में भी पीछे की ओर ही बही होगी। गोताखोरों के दिमाग की नसें उस समय हिली जब हरिद्वार में डूबकर ऋषिकेश में तैरती हुई मिली। ऋषिकेश में तैरती हुई मिली, सभी ने उड़ाई हमारी खिल्ली, जैसे तैसे लौट कर आए दिल्ली। लेकिन ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि संबंधों के धागे इस देश में पश्चिम की तरह कच्चे नहीं हैं। ये वो देश है जहाँ पति पत्नी रोजाना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, लेकिन 7 फेरे लेने के बाद 7 जन्म तक साथ निभाने की कसम उठाते हैं। क्या बात है भैया। कुछ देर के लिए प्रवीण को सुख मिला था कि डुबकी लगाई तो आई नहीं, लेकिन ईश्वर भी सब हिसाब रखता है, आखिर मिलवाई दी। भाई होता